उसके ऊपर लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है। इलियास पहलवान सुन अब अच्छी तरीके से, तेरा यकीन होगा कि तेरी जिंदगी और मौत का फैसला भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी या चंद्रकांत खैरे कर सकता है करके। और हमको बता रहे, हमको धांस दे रहे, अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम वो है, तुम जितनी जिंदगी से मोहब्बत करते हम उसी मौत से मोहब्बत करते, समझे क्या? हमको डरा रहे अलहम। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने देखा एक फेसबुक पे लाइक आके खासदार मेरे खिलाफ बोल रहा, अरे पहले तेरा ईमान चेक कर, मेरे को बोल रहा कि मैंने गिराया, मैंने मौलाना लोगों को जमा करा, अरे मेरी क्या औकात किसको गिराने की और किसकी जिताने की, जिताने की ताकत अल्लाह के पास है, तेरा ईमान देख ले तो, तू मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा गिराने की, और मैं कैसे गिरा सकता, गिराने वाली जात अल्लाह की है। और रही बात काम करने की, मैं मेरी पार्टी का काम करा और सारे हिंदुस्तान में इंडिया गाड़ी को सारे मुसलमानों ने सपोर्ट करे, और मेरी पार्टी इंडिया गाड़ी के साथ थी, शिवसेना के साथ मैंने सपोर्ट करा और ये करते रहूंगा जिंदगी भर। और हमको बता रहे, हमको धांस दे रहे, अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम वो है, तुम जितनी जिंदगी से मोहब्बत करते हम उसी मौत से मोहब्बत करते, समझे क्या? हमको डरा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और रही हमारे ईमान के, हमारे घर पे मौलाना लोग आते, ये तो बड़ा मेरा अल्लाह का करम है, मेरे घर पे मेहमान आते, हर एक के घर पे नहीं आते, किस्मत वालों के घर पे आते, उन्हीं के दस्तरखान पे आते जिस पे अल्लाह राजी है, तुम्हारे भी दस्तरखान पे बुलाओ खिलाओ, ये नबियों की सुन्नत है। और कौन सा मौलाना मेरे से बहकने वाले है, और ये तो हक की बात करूंगा और करते रहूंगा। और ये निकामे दोस्तों से नौजवानों को लेके उचकाने की बातें जो कर रहे है, ये शहर के माहौल हालात खराब कर रहे है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से तुम्हारे को पोस्ट मिली, तुमने संभाले नहीं और ब्लेम हमको दे रहे। और रही बात हमारे ईमान की बात कर रहे तुम, वो और हमको बोल रहे किसकी टीम है, हमको भाजपा पे, अरे भाजपा के खिलाफ तो है रहेंगे, ये भाजपा का नेता तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे बारे में बयान दे रहा, जब तक तुम नहीं रहेंगे हम इस देश में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुमको जिताने के, हमको जीतने के वास्ते तुमको खड़े करना जरूरी है, इसका कभी खंडन किया क्या तुमने? हाँ, और एक क्लिप है क्या, और हमारे ईमान को बोल रहे तुम, हमारे उसको बोल रहे, ये तो अल्लाह जानता, ये देखो ये तुम श्लोक पढ़ रहे, तुमको कलमा पढ़ने की जरूरत है, ईमान तस्दीद ईमान करना है, तस्दीद निकाह करना है, समझे क्या? और रही बात पूरे महाराष्ट्र में 14 लोगों को खड़े करे तुमने, पूरे ये 14 लोगों को खड़े करे तुमने, ये तुम्हारा ईमान का हुआ है, तस्दीद ईमान है तुम्हारा कराना है, 14 लोगों को पूरे खड़े करे, और कहां से कितने पैसे लिए ये हम नहीं बोलेंगे, अगर चाहे हिम्मत तो जा मस्जिद में आ जाओ, कुरान हम भी लेते तुम भी लेते, और तुम बोल रहे हो कि हमने पैसे नहीं लिए, सेकुलर सीटा गिराने के वास्ते तुम करे। बाद में मेरे भाई अफसर खान ने पूरे तो बता दिए स्टोरी, साले हसन खान के बारे में बोले, 2 बार मिसा में गए हुआ है, 3 बार कौम के वास्ते, वो तुम क्या मालूम उसकी हिस्ट्री, और हमारे बारे माजी में मालूम नहीं तुमको क्या, कितने गुने थे, हमको 15 साल लग गए हज को जाने के लिए, पासपोर्ट नहीं बना हमारा, ये क्या हमारे पर्सनल केसेस नहीं थे, ये हम बोलना नहीं चाह रहे तुम्हारे को उस पे, समझे क्या? हमको सिखा रहे, हाँ अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी पोस्ट दिया उसको नहीं संभाले, खुद के पार्टी के लोगों को नहीं संभाले, खुद के नगर सेवकों को नहीं संभाले, गफ्फार खादरी के खिलाफ काम किए तुमने, ये मेरे पास प्रूफ है, ये बताऊंगा मैं, समझे क्या? और बोले जब खुद के दुम पे पैर पड़े तो हमारा नाम, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, आ जाओ। और वो बुग्गे बागों से झूठी आईडी से लोगों के खिलाफ डालते, मर्दानगी है क्या ये, डाल के बताओ, डायरेक्ट आके बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब तो देंगे इंशाल्लाह, हम शहर में अमन चाहते और अमन ही रखना चाहते, अगर जो तुम शहर की फिजा खराब करेंगे तो ये तुम्हारे सारा गुनाह तुम्हारे ऊपर रहेगा, हमको बोल रहे तुम, हमारे ईमान की, हमारे ईमान का मजाक उड़ा रहे तुम, बस इतना ही मुझे बोलना है।
खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर वन YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।